अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप लोगों का? ठीक ठाक खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक पहले तो। आज आई गेस फोर्थ रोज़ा है और मैं अभी कॉलेज से आया हूँ जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, एंड 1:30 PM हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड हसीब। हसीब ने ली है गाड़ी, गाड़ी उसको आती चलानी नहीं है और गाड़ी चलाने का तरीका सिखाना है हमने। सो वी आर गोइंग देयर इन द जीप। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीप चेक करें, ये धुली धुलाई, साफ सुथरी, इंटीरियर भी क्लीन हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, पीछे जो है एक कंबल पड़ा हुआ है, वो मैंने निकालना भूल चुका हूँ, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल बम्पर टू बम्पर हुई हुई है। और ये स्टिकर्स भी लगाए हैं बेगम ने इसको, एंड यहाँ भी एक स्टिकर लगाया है। शिमानो जो है बेसिकली एक साइकिलों की कंपनी है और बेरेटा जो है गन्स की कंपनी है, ठीक है? तो इसका सेंस यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छे लग रहे हैं तो लगाए हुए हैं। अच्छा, तो साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा हसीब के बारे में बताता चलूँ। हसीब और मैं 2003 से दोस्त हैं और अब माशाल्लाह से हमारी दोस्ती को 21 साल तो होने को है माशाल्लाह। और प्रेप क्लास में हम दोनों का दाखिला एक साथ हुआ था और 10वीं जमात तक हम एक ही साथ पढ़े हैं इज़ाइया स्कूल से। और हसीब जो है वो एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बैंक में जॉब करते हैं बतौर आईटी हेड। इसके अलावा ये कि उन्होंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी है, होंडा सिविक है, 1998 है मेरे ख्याल से। पिक्चर्स में मैंने देखी है लेकिन अभी तक मैंने इन पर्सन नहीं देखी। तो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी, लाइक आपके साथ साथ मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा गाड़ी को इन पर्सन देखने का। थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे उसकी बाहर से अंदर से, अगर हसीब भाई ने इजाज़त दी। एंड चलें फिर मिलाते हैं आपको हसीब से भी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी हसीब भाई। यार हाथ मिला लो भाई, खैर है, कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, इतने जो हैं गाड़ी की सफाई में मशगूल हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा हमें, हमसे दो बातें कर लें। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको देखना चाहते हैं, इतना मैंने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था। तो हसीब भाई आप मुझे थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में बताइए कि कौन सा मॉडल है, मेक मॉडल वेरिएंट क्या है, कितने सीसी है? ये 95 मॉडल है। अच्छा, एक सेकेंड अब सही आ रही है रोशनी। तो बस आई थिंक 1500 सीसी है और एक्चुअल कलर इसका रेड था। अच्छा, एक्चुअल रेड कलर था और ये रीशावर हुई है, ठीक है। और सीएनजी है, पेट्रोल है, दोनों ऑप्शंस हैं इसमें, दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। और नंबर कहाँ का है इसका? नंबर इसका लाहौर का है। लाहौर नंबर, रजिस्टर्ड स्मार्ट कार्ड वगैरह है? स्मार्ट कार्ड तो इसका नहीं है, बुक है इसकी। हाँ, ठीक है। और ट्रांसफर करवा लिया आपने? ट्रांसफर हो गई है। चलें सही, ठीक। चलें हम थोड़ी सी सफाई में हेल्प कराते हैं और उसके बाद जब ड्राइव पे निकलेंगे हम फिर से कैमरा ऑन करेंगे और हसीब भाई की ड्राइविंग आपको दिखाएंगे। ये गाड़ी चला रहे हैं पहली बार माशाल्लाह से, ट्रेनिंग हो रही है इनकी। आगे जो है हमारे पास फ्लश वालों का डेटा जा रहा है, उसका हम थोड़ा सा ख्याल करेंगे। और हसीब भाई क्या तासुरात हैं आपके, मज़ा आ रहा है? क्या तासुरात होने में, रोड पे चला रहे हैं, गाड़ी गाड़ी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, ये तीसरे खिलाड़ी भी आ गए हमारे पास, अल्लाह भाई। और शुरू में इनको अप्रोच किया था हसीब भाई ने ताकि गाड़ी सिखा दें, लेकिन पता चला कि मैनुअल इनको भी नहीं आती, तो फिर मुझे इन्होंने अप्रोच किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हसीब भाई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं आगे दे। और इतनी सारी रश ख्याल से भाई, ख्याल से। और अब्दुल्ला भाई की जॉब लगी है PBO की, माशाल्लाह से, उनको मुबारकबाद। आप सारे भी इनको मुबारकबाद दीजिए। अब्दुल्ला किधर जाना है, कुछ बोलो अभी यार, क्या बोले, बस लगे हुए बस लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पूरे एक तो मौत के कुएं से गुजर रहे हैं क्योंकि हसीब भाई पहली बार तबा गाड़ी चढ़ा रहे हैं और हम बिल्कुल हफ्ता के आश्रय पे हैं माशाल्लाह से। आगे क्या होने, गाड़ी तो भाई बहुत अच्छी चला रहे हैं माशाल्लाह से। और हम DHA जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे एक साइट का विजिट करना है और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे और अब्दुल्ला भाई का भी एक ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये हसीब के घर आए हैं और इफ्तारी का टाइम है और इतनी किस्म किस्म की अशिया हमारे लिए रखी हुई हैं माशाल्लाह से। आज
तो आमीन आमीन। आज तो भी बिल्कुल पार्टी हो गई है ना, ऑनेस्टली आज तो पार्टी हो गई। मतलब 6:22 हैं और हम अभी अभी पहुंचे हैं और दरवाजा खुलते ही सामने। सबसे बड़ी बात, भाई ने 10-15 मिनट के अंदर हमें DHA से यहाँ पहुँचाया। कौन से भाई ने, कौन से भाई ने? हमजा भाई ने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस हम हसीब भाई को अलविदा कह रहे हैं। और बात सुने ना, आपने आज गाड़ी चलाना सीखी है, आपका अपने टीचर के हवाले से क्या फीडबैक है? टीचर के हवाले से क्या? तो बस औसम था और बाकी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त रहा पूरा दिन। अच्छा। और टीचर थोड़ा सा सख्ती था कुछ केसेस में, थोड़ा सा कहीं कहीं सख्त हो जाता है, कहीं कहीं सख्त तो जरूरी है ना। एग्जैक्टली। आप खुद मदरसे के तालिब इल्म रहे हो तो आपको पता है सख्त होना जरूरी है। तो हम इजाजत ले रहे हैं हसीब भाई से, इन्होंने बहुत अच्छी इफ्तारी की हमारी और वो आपने देखी होगी और हमें खा खा के जो है ना हमारे पेट सूज गए। ये झूठ बोल रहा है, इसने पूरी इफ्तारी मुझसे करवाई थी। हाँ। और इसने जो है ना, इसने हसीब से बहुत सारी बातें छुपाई थी। ओ भाई, तो ब्लॉग की बात है।